हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पालक पनीर बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही आसान है। पालक पनीर को चपाती और रोटी के साथ खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। रेसिपी शुरू करने से पहले, जो मेरी चैनल पे नए हैं, प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिएगा, जिससे आपको मेरे नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशंस आते रहेंगे। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। चलिए अब फटाफट रेसिपी शुरू करते हैं। हमें पानी को बॉईल नहीं करना है, पानी को बस गर्म करना है। जैसे ही गर्म हो जाएगा पानी, हम पालक में डाल देंगे। चेक करते हैं, पानी गर्म हो गया है। अब हम इसमें पालक डाल देंगे। हमें पालक को पकाना नहीं है, इसमें कुक नहीं करना है, बस इसे 1.5 मिनट के लिए गर्म पानी में डाल के निकाल देना है। 1.5 मिनट हो गए हैं, अब हम इस पालक को निकालेंगे बाहर। गैस ऑफ कर देते हैं। अब हम इसमें ठंडा पानी डाल देंगे, जिससे जो पालक का कलर जो है चेंज नहीं होगा और ये पालक कुक होना भी बंद हो जाएगा। सारा पानी इसमें निकाल देंगे। मैंने पालक को मिक्सी जार में डाल दिया है। अब हम इसमें तो ग्रीन चिलीज डाल देंगे। आप ग्रीन चिलीज ज़्यादा कम कर सकते हो, अगर ज़्यादा तीखे नहीं है तो आप 3 भी यूज़ कर सकते हो। अब हम इसमें थोड़े जिंजर डाल देंगे। अब इसका हम स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। थोड़ा सा मैं इसमें पानी डाल देती हूँ, ज़्यादा मत ऐड कीजिए इसमें। अब हम इसका स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। हमारा स्मूथ पेस्ट अभी रेडी है। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। अभी इस पैन में हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे और इसमें 1 टेबलस्पून बटर डाल देंगे। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून जीरा डाल देंगे और इसे सॉटे कर लेंगे। छोटा सा सिनेमन स्टिक, 2 क्लोव्स और बे लीफ और इसे भी सॉटे कर लेंगे। पनीर के पीसेस डाल रही हूँ और इसे थोड़ा सा फ्राई कर लूंगी इसमें। ये स्टेप करने से क्या होता है, पनीर जो है टूटते नहीं है और उसी शेप में रहते हैं। ये स्टेप आप पहले ही कर लीजिए जीरा डालने से पहले, क्योंकि मैं करना भूल गई तो अभी मैं कर रही हूँ। इसे थोड़ा सा फ्राई कर लीजिए, क्योंकि वो पनीर उसी शेप में रहते हैं, टूटते नहीं है। आप इसे स्किप भी कर सकते हो। इसे हम निकालने की प्लेट में। मैंने पनीर पीसेस निकाल लिए हैं। अब इस सेम पैन में हम चॉप्ड प्याज डाल देंगे, बारीक कटे हुए प्याज डाल देंगे। प्याज गोल्डन ब्राउन कलर में आ गए हैं। अब हम इसमें 1/2 टेबलस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर। ऑलरेडी हमने ग्रीन चिलीज डाले हुए हैं, इसलिए मैं इसमें 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर यूज कर रही हूँ और इसमें 1 टेबलस्पून गरम मसाला डाल रही हूँ। और सॉल्ट स्वाद अनुसार। अच्छे से
मिक्स कर लेंगे, सॉटे कर लेंगे। कितना अच्छा सा अरोमा आ रहा है अभी। अब हम इसमें जो हमने पालक का प्यूरी बना के ही रखा हुआ है उसे डाल देंगे। तो इसमें हम डाल देते हैं। कलर देखिए कितना अच्छा आया है। इसे अच्छे से मिला लेंगे, कर लेंगे ऐसे। थोड़ा सा इसमें पानी डाल देंगे। अब ये बॉईल हो रहा है, अब हम इसमें जो हमने पनीर फ्राई करके रखे हुए हैं उसे हम इसमें डाल देंगे। अब इसे मीडियम फ्लेम में 2 मिनट के लिए बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। आप चाहे तो इसमें फ्रेश क्रीम भी यूज़ कर सकते हो इसका थिकनेस और टेस्ट बढ़ाने के लिए। अब ये बॉईल हो रहा है अच्छे से, बस एक और मिनट के लिए इसे ऐसे ही पका लेंगे। अब हम गैस ऑफ कर देते हैं और इसे सर्विंग बाउल में डाल देते हैं। आप इसे ज़रूर बनाइएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी है। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय फ्रेंड्स।